आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम लेबॉरट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स है, और आज हम इसके यूनिट नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबॉरट्री वर्क है। और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 6438 है, और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आज स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का। तो हमारे पास जो है इसका इंट्रोडक्शन आ गया जी स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, एम्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ टारगेट्स टू बी अचीव्ड इन द लॉन्ग टाइम कंपेरेटिव टू डेट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। यानी गोल एंड ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए एम्स जो हैं और बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उनके लिए टारगेट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। उसके बाद है जी, ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म्स अवेलेबल टारगेट्स इन नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज डिवेलपिंग और स्टैंडर्ड्स इन फोकस्ड इन ऑल एरियाज। गोल्स आर इम्प्रूव, गोल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए जो है पॉलिसी मेकर्स को जो है एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए खुद फोकस करना पड़ता है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाने करते पड़ते हैं। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस करिकुलम एंड ऑल्सो अचीव थ्रू इन इंस्ट्रक्शनल मैथड्स के जरिए ये सब होता है। फिर है जी, सच एज लेक्चर्स असाइनमेंट्स एंड लेबॉरेटरी वर्क, जिसमें स्टूडेंट्स लेक्चर्स असाइनमेंट और लेबॉरेटरी वर्क का अहम जो रोल है। फिर फॉर लेबॉरेटरी वर्क द गोल्स सेलेक्ट, इसी वजह से जो है ये लेबॉरेटरी वर्क के लिए भी गोल्स को जो है सिलेक्ट किया जाता है। इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ लेबॉरेटरी टीचिंग एंड द एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स इन द लेबॉरेटरी, यानी इसमें एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट और लेबॉरेटरी को भी देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के, वो हमारे पास हैं जी, रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्स। हम जाएंगे एम्स गोल्स एंड लेबॉरेटरी, यानी कि लेबॉरेटरी वर्क के एम्स के इम्पॉर्टेंस क्या है, उसके एम्स गोल्स के हम देखेंगे। फिर नंबर 2 पे हम देखेंगे जनरेट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबॉरेटरी वर्क, हम देखेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव के लेबॉरेटरी वर्क के। फिर है जी, इम्प्लीमेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन द लेबॉरेटरी, हम देखेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है लेबॉरेटरी वर्क के। फिर हम देखेंगे मेक यूज़ ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी हम स्टूडेंट्स की लर्निंग किस तरह से होती है लेबॉरेटरी में ये भी जानेंगे। फिर है जी, जनरेट ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल इन द लेबॉरेटरी, यानी प्रैक्टिकल लेबॉरेटरी का भी हम इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आए स्टूडेंट्स बकायदा आगाज करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें हमारे पास है जी पोटेंशियल गोल्स ऑफ लेबॉरेटरी क्लासेस। तो इसके लिए क्लासेस स्टूडेंट सेट होती है जिसमें जो है ये लेबॉरेटरी में सब कुछ होता है। वहाँ पे क्या होता है, डिवेलप इंस्टीट्यूशन एंड डिपेंड अंडरस्टैंड ऑफ कंसेप्ट, वहाँ पे उसके कंसेप्ट को समझा रहे। फिर हमारे पास स्टूडेंट ये है जी अप्लाई कंसेप्ट लर्निंग इन क्लास टू न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन के हिसाब से कैसे क्लास को डेवलप करना है इसको भी देखते। फिर जी एक्सपीरियंस बेसिक फिनोमेना को देखा जाए। फिर देखते डेवलप क्रिटिकल क्वांटिटेटिव थिंकिंग, क्वांटिटेटिव थिंकिंग को देखा जाता है। फिर जी डेवलप एक्सपेरिमेंटल एंड डेटा एनालिसिस के डेटा एनालिसिस स्किल्स को देखा जाता है। फिर लर्न टू यूज साइंटिफिक अपरेटस को लर्न करना सीखा जा रहा है। फिर लर्न टू एस्टिमेट स्टैटिस्टिकल एरर्स एंड रिकॉग्नाइज सिस्टमेटिक और स्टैटिस्टिकल एरर्स को भी, उनकी एस्टिमेशन कैसी होती है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीखा जाता है। फिर हमारे पास है डिवेलप रिपोर्टिंग स्किल्स राइटिंग एंड ओरल्स, में रिपोर्टिंग स्किल्स भी डिवेलप की जाती है, राइटिंग और ओरल्स को देखा जाता है। फिर हमारे पास है प्रैक्टिस कोलैबोरेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिस के लिए जरिए कैसे कोलैबोरेशन की जाती है। फिर है जी एक्सरसाइज क्यूरियस एंड क्रिएटिविटी बाय डिजाइनिंग प्रोसीजर टू टेस्ट हाइपोथेसिस, कैसे हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं इसको भी देखा जाता है। फिर बेटर अपरेटस टू रोल एक्सपेरिमेंटेशन इन द साइंस, इसको देखा जाता है। फिर जी टेस्ट
इम्पॉर्टेंट लॉ एंड यूज इम्पॉर्टेंट लॉ और यूजेस को देखा जाता है। आगे स्टूडेंट स्ट्रेटेजी देखते हैं जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को। इसमें क्या है, द एम्स ऑफ फिजिकल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल लेबॉरट्रीज एज अ सेकेंडरी स्कूल, यानी सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, बायोलॉजी हो जाए, इनकी जो है लेबॉरट्री खास तौर पर बनाई जाती है। लेवल्स आर टू बी इनेबल स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को इसमें यूज़ किया जाता है। उसमें क्या है, नंबर वन पे डिवेलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज, उनका प्रोसीजर नॉलेज को डिवेलप किया जाता है। फिर जी डिवेलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस टू एक्सप्लेन सॉरी द प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट, यानी कि साइंस सब्जेक्ट के दरमियान उनकी जो डिवेलपमेंट है उसको अप्लाई कैसे किया जाता है, इसकी एबिलिटीज को बढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स की। फिर जी नंबर थ्री पे डिवेलप एन एबिलिटी टू हैंडल द अपरेटर्स केयरफुली एंड यूज द रिसोर्स वाइजली, यानी कि कैसे अपरेटर्स को सही तरह इस्तेमाल करने का, बच्चा कोई तोड़ फोड़ ना दे अपरेटर्स को, और उसका उसको सही तरह वाइजली यानी कि अकलमंदी से किस तरह इस्तेमाल करना होता है। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास जी आ रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स एंड मैनी ऑब्जेक्टिविटी कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ सिंगल एम। फर्दर ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक अप टू द लेवल ऑफ अ सिंगल प्रैक्टिकल, यानी कि जो इसमें अंडर होता है सिंगल प्रैक्टिकल को ही एम बनाया जाता है, उसी की पर्टिकुलर उसी के ऊपर ही काम करवाया जाता है लेबॉरेटरी के अंदर। फिर ईच प्रैक्टिकल है स्पेशल ऑब्जेक्टिविटी स्पेशल ऑब्जेक्टिव इन स्पेसिफिक प्रैक्टिकल फ्रॉम द स्पेशल डिसिप्लिन आर आर लिस्टेड बिलो। जो तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो जैसे कि जो लेबॉरटरी होती है जो उस पर स्पेसिफिक टॉपिक होता है उसी से रिलेट उधर जो है प्रैक्टिकल करवाया जाते हैं। जैसे हम एक सब्जेक्ट की एग्जाम्पल लेते हैं बायोलॉजी, जैसे अब यहाँ पे वहाँ पर बायोलॉजी का स्टूडेंट जब किसी लेबॉरटरी में जाएंगे तो उनको तो ऑब्जेक्टिव टीचर का क्या होगा, वो ये होगा स्टूडेंट्स विल डिमोस्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग एन एक्वेटिक प्लांट लाइक हाइड्रोलिया, यानी कि जब स्टूडेंट वहाँ जाएंगे तो उनका ये टीचर का काम होगा, वो डिमोस्ट्रेट उन्हें करेगा, एक्सपेरिमेंट शो करेगा फोटोसिंथेसिस यूजिंग एक्वेटिक प्लांट लाइक हाइड्रोकोरिया। फिर उसके बाद ये है जी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स उसके दिए जाएंगे, वो स्टूडेंट्स आर एबल टू राइट प्रोसीजर ऑफ प्रैक्टिस, यानी प्रोसीजर ऑफ प्रैक्टिस का कहा जाएगा स्टूडेंट लिख के। फिर सेलेक्ट द अपरेटर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, जैसे प्रोसीजर है उस हिसाब से वही अपरेटर्स इस्तेमाल किया जाए ताकि एक्सपेरिमेंट सही टाइम लेबॉरेटरी में हो। यही चीज़ें स्टूडेंट जो है ये इसी तरह का जो प्रोसेस है ये हमारा सिमिलरली किस में होगा, फिजिक्स की भी लेबॉरेटरी में और केमिकल केमिस्ट्री की भी लेबॉरेटरी में। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास आ रहे हैं यूजिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन कोर्स डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड, यानी कोर्स डिज़ाइन भी जो है वो भी इसके तहत किया जाता है। फिर जी टूल्स दैट कैन हेल्प यू डिज़ाइन कोर्स ऑब्जेक्टिव, वो कौन से टूल्स है जिससे कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है, वो अंडरस्टैंड बाय डिज़ाइन डिज़ाइनिंग सेंटर्स फॉर टीचिंग वेंडरेबल डिस्क्राइब बाय बैकवर्ड डिज़ाइन प्रोसेस एंड आउटलाइंड इन अंडरस्टैंडिंग बाय द डिज़ाइनर बाय ग्रैंड विगिंग एंड जिगी बुगी मिकी मकटाई। फिर इसमें क्या जी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कोर्स डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स भी दिए जाते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है जी यूजिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडेंस स्टूडेंट्स लर्निंग। उसमें क्या है जी हमारे पास, वी when students have to select laboratory experiment for themselves aims and objectives can be used ensure that all important goals of the course have been pursued while placing a minimum of restrictions on students choices providing students a list of objectives it is in itself is not a very satisfactory way of communicating intentions. It would be rare for students to have sufficient appreciations of any given objective until they had
started to engage in an exercises related to it or for such lists easily to be fitted into their existing knowledge structure. तो इस तरह से नॉलेज स्ट्रक्चर के हिसाब से जो स्टूडेंट्स को जो है लेबोरेटरी में जो एक टीचर को जाना चाहिए, कम्युनिकेट वेल करना चाहिए, इस तरह से जो पूरी की पूरी स्टूडेंट की चॉइस पे उसका पहले टेस्ट देखना चाहिए कि किस किस्म के उसके एम से क्या वो फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक केमिस्ट्री साइंस सब्जेक्ट में किस लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट में वो उसके अंदर उसकी तरफ उसकी चाहत मोहब्बत है करने की या नहीं, ये भी देख के टीचर को जो है कोर्स डेवलप करना चाहिए. तो फिर मानेला ये हमारा चैप्टर नंबर 1 एक्सटाम बजी रोड है. गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स. मेरे चैनल मोहम्मद सफला को सब्सक्राइब करें, पहले आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो जाए. फिर मानेला मुझे दुआ में याद रखें. गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स. अल्लाह हाफिज़.